तो यहाँ पे जानवरों के माध्यम से दी गई है पूरी जानकारी कोविड-19 है। देखिए, कृपया मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और कहीं पर थूकें नहीं, और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और सिगरेट बीड़ी तंबाकू का प्रयोग ना करें। यहाँ पे जानवरों के हिसाब से दिया गया है पूरा कोविड का संदेश। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। आई एम फाइन, होप ऑल यू आर फाइन। थोड़ा कोरोना की वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है ज़्यादा पब्लिक प्लेस में जाने पे। लेकिन अभी मैं लखनऊ शहर में हूँ, तो सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाता हूँ। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी फिलहाल कहाँ जा रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं लखनऊ शहर के नज़ारे, और मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। सो गाइस, यह है बाइक की पार्किंग। मेरी बाइक ऐसी मैं खड़ी कर देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा बाइक पार्क करने में तो प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी में, लेकिन कार पार्क क्या है, वो ओपन है। जो कार पार्किंग वो ओपन है, जब कार लेनी पड़ेगी तो फिर ओपन में ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे को डेस्टिनेशन का जो रूट है वो पता नहीं है, लेकिन लोगों से पूछ के गूगल मैप के सहारे शायद मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। चलो भैया, गेट खोलो। गेट चलो खोल दिया उन्होंने। अब आप सामने देख रहे हैं, ये है फैजाबाद हाईवे जो डायरेक्ट जाता है सीधे अयोध्या को। अयोध्या की डिस्टेंस यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है। कभी संडे के दिन मैं टाइम लगा तो मैं यहाँ से अयोध्या भी जाऊँगा, क्योंकि अभी जब लखनऊ आए हैं तो यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं सर्विस रोड पर बाइक चला रहा हूँ, तो यहाँ से कट मार के हम लोग को मेन हाईवे पर जाना पड़े। तो कट मार के मेन हाईवे पर चले गए। थोड़ा यहाँ क्या है कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम है बाइक चलाने का, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा उठपटांग बाइक चलाते हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं पूरा वे मेन नई डेस्टिनेशन का। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से लोग ऑटो वाले से पूछा मैंने, तो उसने रास्ता बताया कि थोड़ा आगे आके मुझे दोबारा पूछना पड़ेगा। लास्ट जो ट्रैफिक है, जैसे रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट लगी है। तो इधर पार्किंग थी उसकी, तो पार्किंग में बाइक खड़ी करी। इधर यहाँ पर सामने है टिकट घर, तो अभी वहाँ से टिकट लेते हैं, के अंदर के नज़ारे देखते हैं। तो हम पहुँच गए लखनऊ जू। यह लखनऊ जू, यहाँ पर एक मेरे को बहुत सा लगा कि अगर आप वाटर बॉटल अंदर लेके आते हैं, अपनी वाटर बॉटल अंदर लेके आते हैं,
तो आपको यहाँ पे 20 रुपये गेट पे जमा करने पड़ेंगे वाटर बोटल के अपने। पहले आप 20 रुपये की बोतल बाहर से खरीदेंगे, फिर वाटर बोटल अंदर लेके आएंगे, फिर 20 रुपये यहाँ पे जमा करेंगे। जब आप वापस जाओगे और वाटर बोटल का खाली वाला खाली वाटर बोटल उनको दोगे तो आपको 20 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। देखिए तो यह है नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान लखनऊ। तो उसका ये मैप है, मैप में यहाँ पर टिकट घर है जहाँ पर मैंने एंट्री की। ये नरही गेट है। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो बहुत सारे जानवर हैं, एक जगह पे बटरफ्लाई पार्क है, लोमड़ी है, तेंदुआ है, शेर है, वाइट टाइगर है और दरियाई घोड़ा भी है, नीले पीले मकाऊ भी हैं, बंदर है, सिंह पूंछ बंदर है, चिंपैंजी है, सांप घर है और काकड़ है, चीतल है, शुतुरमुर्ग भी है, देसी भालू है, बाघ है, हिमालयन भालू है, सांवर है, एमू है। चलो अंदर जाके देखते हैं ये सारे जानवर। इतने नाम पढ़ूंगा तो पूरा 1 घंटा ही लग जाएगा। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। वैसे कहाँ से एंट्री है मुझे पता नहीं, हम लोग एंट्री कहाँ से करते हैं इसमें? जाए अभी जू में हम लोग को जाना है तो लोग कैसे घूमते हैं? यहाँ से लेफ्ट लेके ऐसे गोल चक्कर होके आ जाएगा। ये रेलवे लाइन जो है इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड घूमिए। अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू। तो उन्होंने बताया जो ये ट्रेन की पटरी बनी हुई है ये पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक उसमें लोग बैठते हैं और पूरे जू के चारों ओर ये है ये। और पहली जो शुरुआत होती है वो होती है यहाँ से काले मिर्च से। यहाँ पर है ब्लैक डियर, ब्लैक बक, तो सामने बहुत सारे हैं दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है ब्लैक बक, वो देखो बहुत सारे बैठे हुए हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये, तो यहाँ पर ब्लैक बक बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हो गया ब्लैक बक। सो अब हम लोग हैं स्नेक पार्क में। तो यहाँ पर स्नेक के जो वैरायटी लिखी हुई है देखिए, सामान सेंट बोवा, रेड सेंट बोवा, भारतीय अजगर और ब्रह्मणी वार्म स्नेक, स्ट्राइप्ड कील बैक, कॉमन वोल्फ स्नेक, इंडियन रेड स्नेक और चेकर्ड कैलबैक। और इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर है भारतीय अजगर, इंडियन पाइथन। नहीं, यह है इंडियन पाइथन। थोड़ा यहाँ पर ना मिरर है, मिरर की वजह से वो साफ दिखाई दे रहा है। देखो उसने अपनी जो बाहर का उसे कैचुली बोलते हैं ना, वो भी छोड़ी हुई है इंडियन पाइथन ने। देखिए एक और है साथ में, ये काफ़ी बड़ा है, वो मेरी ओर देख भी रहा है। कैमरा पता नहीं क्यों नहीं इसे शो कर रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ना बाहर का बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा चिपका हूँ उसको तो सही रहेगा। हाँ ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 पाइथन है, मुँह पूरा ऊपर किया हुआ है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरा मिरर में आया हुआ ना ऐसे, उसका लुक तक रहा है काफ़ी। देखो बहुत बड़ा है, आप पीछे से उसका साइज़ देखो। इधर 2 और बैठे हुए हैं, ये जीप निकाला। तो आप ये देखिए, ये है रसल वाइपर, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे। और लेकिन ये तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, करीब 10-12 हैं। ये देखिए यहीं पर 2 तो यहाँ पर बैठे हुए, एक ने उधर। हमारे यहाँ कुओं में से घुघुत बोलते हैं, लेकिन अभी ये क्या, ये वाइट डब है और इतनी खूबसूरत लग रही है वाइट डब। मैंने इसे पहले पीजन समझा था, लेकिन पीजन नहीं है, वो वाइट डब है। इसका कलर वाइट है और बिल्कुल जैसे बोलता है हमारे यहाँ पहाड़ में घुघुत बोलता है ना, वैसे ही घुघु कर रहा है। ये बहुत सारे हैं, एक ये बैठा हुआ है इधर पे और अंदर बहुत सारे। ये आप साउंड सुन रहे, वो सेम वैसे ही बोल रहा है जैसे घुघुत बोलता है। तो यहाँ पे जानवरों के माध्यम से दी गई है पूरी जानकारी कोविड 19 है। देखिए कृपया मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें
और कहीं पर थूकें नहीं, और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और सिगरेट बीड़ी तंबाकू का प्रयोग ना करें। यहाँ पे जानवरों के हिसाब से दिया गया है पूरा कोविड का संदेश। थोड़ा यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ग्रीनरी है ना, तो घास हैं, तो मैं बार बार सैनिटाइजर हाथ पे भी लगा रहा हूँ, उससे कोविड से बचेंगे और मच्छर भी मेरे को काट नहीं पाएंगे उससे। एक्चुअली क्या है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी आया था, मैंने सोचा कि अगर जल्दी जाऊँगा तभी लोग, इतना क्या होता है कि दिन के टाइम पर जानवर खा के सो जाते हैं, तो मैं इस मॉर्निंग में जल्दी आया। मैंने कहा कि जैसे जो 8:30 बजे इसका टाइमिंग था ओपन होने का, तो मैं सोचा कि 8:30 बजे या 9 बजे, 9:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाऊँगा। 9:30 पर मैं यहाँ पर पहुँच गया था, तो 9 बजे मैं अपने रूम से निकलता था, तो हाफ आवर मेरे को लगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा जीव है। यहाँ पे है हॉग डियर। हॉग डियर सामने है, आप देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं नीचे मस्त करके। यहाँ पर तो अच्छा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर छाया है ना, देखिए। वाओ सो क्यूट, वो कितना प्यारा लग रहा, देखो ये छोटा सा बच्चा है इसका, ये देखो कैसे देख रहा कैमरे की ओर। अच्छा जूम करके दिखाऊं, अरे इसने दौड़ लगा दी और भाग गया, इसकी माता है ये, देखो बच्चा भाग गया। हॉग डियर तो हिरन की प्रजाति का सबसे बड़ा हिरन, ये देखिए सामने बारहसिंघा। मैं कहते बारहसिंघा में नाम पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ बारहसिंघा ही है, देखिए सुशील दोबारा ही। तो हिरन की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है, मस्त चल रहा। तो यहाँ पे ये पूरा जो बाड़ा है ये इन्हीं का ही है, सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक उधर पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो यह है चिंपैंजी, चिंपैंजी का बाड़ा है, लेकिन ये काफ़ी बंद है यार, इसमें कैसे दिखाई देगा। वो अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक झूला लगाया गया है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, दिख रहा दिख रहा है, बैठा हुआ है लेकिन अंदर अकेले। देख रहे हैं आप शेर पूछ बंदर, मतलब इसकी जो पूछ होती है बिल्कुल शेर की तरह होती है, इसलिए इसका नाम शेर पूछ बंदर है, यानी कि लायन टेल्ड मकाऊ। वो सामने ये देखिए सामने बिल्कुल घूम रहा है क्या। लेकिन इसके अंदर एक पक्षी भी है थोड़ा अलग टाइप का, उसकी पूरी जो गर्दन है बिल्कुल नीली है, उस हिरन से भी काफ़ी बड़ा है। तो हाँ देखो सारा सा शायद, लेकिन तो ये बाड़ा है चीतल का, यहाँ पर चीतल है सामने, वो बहुत काफ़ी दूर है, उसके अंदर बैठे हुए सबके साथ छाया में, गर्मी काफ़ी होगी। तो यह शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच 7 से 9 फुट है, और काफ़ी बाकी अगर वो खड़ा होगा ना तो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। वो देखिए उधर बैठा हुआ है, वो ऐसे लग रहा है कि कोई भैंस बैठी होगी, उसको देख के ऐसा लग रहा है। ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर है हिमालयन भालू। अभी क्या है कि उन लोग को उनका खाना मिल रहा है, तो वहाँ पर ऊपर डाल रहे हैं, तो सबके सब अपने केस के अंदर चले गए हैं, ज़्यादातर भालू अपने केस के अंदर है, आवाज़ आ रही है उनकी बस। तो देखिए वो सामने बिल्कुल ये घूम रहा है, ये दूसरा टाइगर है, एक तो वो है, एक उधर सामने घूम रहा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये थोड़ा इधर को भी घूम ले भाई। अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप सामने देखिए एक पक्षियों की ट्राइब है, रोजी पेलिकन, ये सामने बैठे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। भाई वाइट उनके फेदर हैं और थोड़े थोड़े ऑरेंज कलर हैं उनके अंदर, तो काफ़ी खूबसूरत। तो यहाँ पे है एमू बर्ड जो है वो यहाँ पे है। पीछे था बंगाल टाइगर, दो थे अलग अलग पिंजों पे, लेकिन मैंने तो पहले देखे हुए हैं बंगाल टाइगर। तो मैं चाह रहा था कि जो मुख्य आकर्षण था, तो मैंने जिराफ देखा हुआ एक, तो ठीक है जिराफ मैंने कभी देखा नहीं आज तक, और सेकंड थिंग मैंने वाइट टाइगर भी देखा हुआ। वाइट टाइगर एक बार वो काफ़ी फेमस होता दिल्ली जू का ना,
एक वीडियो जिसमें वाइट टाइगर ने किसी को मार दिया था, तो एक वाइट टाइगर ने देखा हुआ, तो उन दोनों को देखना मेरा मेन पर्पज है। लेकिन यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ मंकी की स्पाइसेस ऐसी थी वो भी मैंने देखी नहीं थी, चिंपैंजी भी देखा हुआ था, चिंपैंजी देख लिया। थोड़ा क्या है कि भालू जो है वो तो हमने देखे हुए हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकले, गर्मी बहुत होती ना उन लोग को, तो वो बाहर निकले वो अपने केज के अंदर ही हैं। बाकी है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ऑलमोस्ट सारे जानवर आराम से दिखाई दे रहे हैं। देखिए जिराफ, लेकिन नकली है, ठीक है लेकिन नकली है, जिराफ है वो नकली है। अभी दिखाता हूँ ओरिजिनल का मिल जाएगा तो यह है ओरिजिनल जिराफ। देखो मुझे लग रहा है कि उसकी ना हाइट करीब रही होगी 6-18 फीट का तो होगा कम से कम, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। और उसको इतना दूर क्यों रखा गया ये समझ में बात नहीं आ रही, वो तो शाकाहारी है वो हमको मारेगा थोड़ी, चलो शेर और बाघ का पता चलता है, लेकिन उसको काफ़ी दूर रखा गया है। वो देखिए उस पेड़ के तो क्यों हाइट के बराबर ही है, देखो करीब तो यहाँ पर फूड पार्क हुआ करता क्या है। और कोरोना की वजह से फूड पार्क पूरा बंद है, क्योंकि जितनी शॉप है सारी बंद है। फिलहाल ट्रेन चल नहीं रही है क्योंकि पब्लिक कम है, अगर पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रेन चलेगी। और पैदल चलते चलते हाथ का पानी की बोतल रखी है तो पानी बीच में पी रहा हूँ, बाकी ना पैदल चलने में बहुत बड़ा है, करीब 3 किलोमीटर में ऐसे आया तो 3 किलोमीटर ऐसे वापस जाऊँगा, तो 6 किलोमीटर मेरे को करीब पड़ेगा। सर थोड़ी भूख लगी है, यहाँ पर स्वीट कॉर्न वाला भाई है तो ऐसे स्वीट कॉर्न लेता हूँ और स्वीट कॉर्न खाता हूँ पहले, फिर कुछ देर रेस्ट करूँगा सामने चेयर में बैठ के, फिर जाऊँगा आगे को। स्वीट कॉर्न लेना है एक है, स्टीम हो रहा है, कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लेंगे, चलो इंतजार करूँ फिर तक। तो ये सामने वाइट टाइगर बैठा हुआ देखो, काफ़ी बड़ा है, अभी शायद खड़ा हो रहा क्या, नहीं वापस लेट गया ये, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा हुआ है, साइड से उजाला है तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सामने है वाइट टाइगर, आप देख रहे हैं ना बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा है लेकिन कमज़ोर काफ़ी लग रहा है। अभी आप देखो इसका साइज, ये काफ़ी बड़ा है वाइट टाइगर। एक उधर साइड में सोया था, अभी मैं बैक होके वहाँ से वापस आया, ये देखो उसे शायद भूख लग रही है और वो अपने जो से फीडर खाना देने आता है उसका इंतजार कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो बार बार उस केज की ओर देख रहा है, वहाँ से उसे खाना दिया जाएगा, अभी उसका लंच का टाइम होगा इसलिए वो जाना पसंद। तो सामने देखो दरियाई घोड़ा बिल्कुल सामने मेरे, उनको खीरा दिया गया है, वो लोग खीरा खा रहे हैं दोनों, और ये तो बहुत बड़े हैं भाई, मैं सोचता था कि ये छोटे छोटे होते होंगे लेकिन ये काफ़ी बल्कि है। आप अगर देखो ना यूँ देखो कितना बल्कि है भाई, 300-500 किलो का तो होगा कम से कम एक दरियाई घोड़ा। तो यह घड़ियाल और मगरमच्छ पर तो फ़र्क ये होता है कि इसकी जो आगे की चोंच होती है ना वो बहुत पतली होती है, अभी वो आगे जा रहा है उसकी चोंच के ऊपर कुछ बैठा हुआ अभी है, वो पता नहीं कहाँ क्या लेके जा रहा है। मगरमच्छ सारे के सारे वैसे बैठे हुए थे, ये देखो क्या देख रहा है, ये मस्त है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना इसकी जो नाक है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, देखो ये काफ़ी बड़ा है साइज में, और दांत देखो आप कितने बड़े हैं, करीब 2-2.5 इंच के कटीत होंगे, और काफ़ी बड़ा है पीछे तक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आ गया मगरमच्छ के पास, मगरमच्छ मस्त के चल रहा है, आजा इधर आजा भाई, जो एक उधर सोया हुआ है, दो हो गए, दो मगरमच्छ हैं और 2-3 यहाँ पर सोए हुए हैं, देखो बिल्कुल मगरमच्छ छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन
आपको दिखा रहा हूँ लायन, ठीक है, वो सामने केज पे बैठा हुआ है लायन एक, ये और एक बैठा हुआ नीचे, बहुत बड़े हैं, बाकी काफ़ी बड़े हैं। तो सामने है तेंदुआ, ये तो मेरे घर के आसपास घूमते रहते हैं, आप लोग देख लो, छोटा सा है, उसने खाली अपनी गर्दन बाहर निकाल रखी है बस, उससे आगे कुछ नहीं है। ये फिशिंग कैट सामने, मैं ये भी पहली बार देख रहा हूँ फिशिंग कैट, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, कैट से अमून। तो कैट की जो चार ट्राइब हैं, एक जंगल कैट है, फिशिंग कैट है और सर्वर कैट है, और एक सामने उधर एक और कैट है, तो दिखाई सिर्फ एक फिशिंग कैट दी, बाकी सब लोग अपने केज के अंदर हैं या है नहीं इसका कुछ मालूम नहीं, हो सकता है कि केज के अंदर अगर नाम लिखा है तो मैं भी अपने घर के अंदर हूँ, लेकिन एक फिशिंग कैट है जो घूम रही है, वो देखो सामने, ये तो आप इसमें देख सकते हैं वाइट पिकॉक, वाइट पिकॉक मैंने पहले भी आगरा में भी देखा हुआ है एक बार, और एक बार नैनीताल जू में देखा हुआ है, मैं यहाँ दोबारा देखा हूँ, यहाँ के थोड़े इनके पंख कम है, लेकिन वहाँ तो मैंने काफ़ी फैले पंख वाले मोर देखे थे। तो यह है सामने, पता नहीं कौन सी पक्षी है, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारस टाइप का लग रहा है, काफ़ी बड़ा है ये। तो इधर ये है ग्रेटर हॉर्नबिल, देखो आप उसके चौंच के ऊपर हॉर्न है, तो उसे हॉर्नबिल बोलते हैं, ब्लैक कलर का है ग्रेटर हॉर्नबिल, ये सामने। तो ये पूरा जो गार्डन है यहाँ पे फिजेंट फैमिली है पूरी, ये फिजेंट फैमिली है, वो चेयर फिजेंट है इधर पे, और इधर जंगल फाउल है, ये जंगल फाउल है यहाँ पे कुछ, और उधर ये फिजे चेयर फिजेंट है, देखो आप वाइट कलर की ना बिल्कुल सो दिखाई दे रही है, और ये जंगल फाउल है, ये उनको अभी वो लोग फीड करने आए हुए हैं, खाना तो डर रहे हैं इस चक्कर में, और इधर सामने ये देखिए मकाऊ ऊपर बैठा हुआ है, और उसके कुछ साथी मकाऊ के वो पीछे बैठे हुए हैं आराम से। सामने ही कुछ और मकाऊ की ट्राइब है, और उसके साथ वाइट पिकॉक को रखा हुआ है। तो ये कॉकटेल है सामने ऑस्ट्रेलिया के, ये काफ़ी नटखट टाइप के लग रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, तो आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही है इनकी। ये मकाऊ हैं दो, बहुत बड़े बड़े होते हैं मकाऊ। तो ये ट्रेनिंग के लिए केव बनाई हुई है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर शेर का मुंह भी बना हुआ है, और यह है ट्रेन, एक्चुअली जो मैं ट्रेन बहस होता था वो ट्रेन ये नहीं है, ट्रेन यह है, रेलवे स्टेशन यहीं पर ही है, मतलब रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मस्त करके आके बैठो ट्रेन में, ये काफ़ी खूबसूरत सफ़र होगा, लेकिन आज चल नहीं रही है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है, और चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन इसका नाम है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा चिड़ियाघर दिखा दिया, एक एक जानवर दिखाया, हाथी नहीं था, ठीक है, और दूसरा गैंडा भी नहीं था, हाथी और गैंडे दोनों नहीं थे, गैंडा मिसको समझ लो होता है मोटा गैंडे की तरह। तो गाइस ये था लखनऊ शहर का पहला डेस्टिनेशन मेरा जो मैंने कवर किया था संडे के, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जो अपना ब्लॉग फिनिश किया था वो जू के अंदर ही फिनिश किया था, लेकिन वो फुटेज शायद या तो डिलीट हो गया या वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जब एडिट कर रहा था तो वो फुटेज मेरे को मिला नहीं, तो मैं इसको फिर रूम पे आके दोबारा रीएडिट किया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना और उसे ऑल करना, ताकि मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आप लोग जो शेयर कर रहे हैं वो काफ़ी कम कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो प्लीज शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, उसमें एडिट करना पड़ता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय धोमी, जय उत्तराखंड।